पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग जी, हरियाणा में आप लोग हैट्रिक लगा रहे हैं, जीत कितनी बड़ी जीत मानते हैं? बहुत बड़ी जीत है, तीसरी बार जीत, हैट्रिक लगाई, और हरियाणा की जनता का आभार, हरियाणा के भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, मोदी जी का नेतृत्व जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिला है। यही नहीं, ना पटे ना कटे, एकजुट होकर पढ़े। और मेरा मानना है, लोगों को पता था कि अगर कांग्रेस आएगी तो दलाल और दामाद की सरकार आएगी, दलितों पर अत्याचार और कार्रवाई होगी, खर्ची पर्ची पर नौकरियां मिलनी शुरू होगी, उनसे बचने के लिए जनता ने किया है, और राहुल गांधी जी का मॉडल फेल हुआ है। हिमाचल प्रदेश को जनता ठगी हुई महसूस करती है, वहां पर जितने वायदे किए थे, गारंटियां दी थी, सब फेल हो गई। यहां तक कि टॉयलेट सीट टैक्स लगा दिया, वहां की जनता को दिया तो कुछ नहीं, उगाही करने का पूरा काम किया है। और हरियाणा की जनता जागरूक हो गई, हिमाचल वालों की तरह ठगे नहीं जाएंगे, हरियाणा को बचाएंगे, हिमाचल को दिवालियेपन की और हिमाचल की कांग्रेस की सरकार लेकर जा रही है। हरियाणा की जनता ने हरियाणा को बचाने का काम किया। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, तो ये क्या फेल हो गए? जवान, पहलवान, किसान ने खुलकर किया मतदान, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। महिला, मजदूर हो, हर वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, और देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। कांग्रेस अब जयराम रमेश ने कहा है, और उन्होंने ईवीएम पे ठिकरा फोड़ा, उन्होंने कहा है कि तीन जिलों से खबर आ रही थी ईवीएम खराब चल रहा है, कहीं बैटरी फूल थी। देखिए, जब जब कांग्रेस हारती है ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है, इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ती है, लेकिन आत्म मंथन आत्म चिंतन नहीं करती है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि राहुल गांधी का मॉडल बार बार फेल क्यों हो रहा है। तीन लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद भी 100 सीट नहीं पाई, तो कांग्रेस क्यों बार बार हार कर। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। भातकालका विधानसभा क्षेत्र से